हमारे सामने तुलना करने की दृष्टि से दो कार्यकाल है, एक यूपीए का कार्यकाल जो 2004 से 2014 तक का करीब 10 वर्षों का, और 2014 से लेकर के अब 2024 चल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के सरकार का 10 साल। इन दोनों 10 वर्षों के जब आर्थिक पहलुओं पे हम विचार करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं जो हमारे सामने आती हैं। इन्हीं सारी विषयों को लेकर के देश की यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने पिछले दिनों संसद में भारत की अर्थनैतिक विषयों पर एक श्वेत पत्र जारी किया। यह श्वेत पत्र वास्तव में तो 2014 में ही हमें जारी करना चाहिए था। 2004 से जो 2014 तक यूपीए की सरकार ने जिस प्रकार से भारत को आर्थिक रूप से खोखला बना दिया था, श्वेत पत्र तो उसी समय जारी करके यूपीए सरकार के आर्थिक मोर्चे पर की गई मनमानी, भ्रष्टाचार, लूट और विफलताओं को जनता के सामने रखना चाहिए था। लेकिन उससे एक नुकसान होता कि पूरे दुनिया के सामने भारत की बदनामी होती, भारत का आर्थिक खोखलापन पूरे दुनिया के सामने उजागर हो जाता, हमें तो थोड़ा पॉलिटिकल लाभ जरूर मिलता लेकिन भारत की बदनामी होती। राष्ट्र को सर्वप्रथम मान करके, राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि मानने वाला राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को यह स्वीकार नहीं था। और अब जब यूपीए और एनडीए के कार्यकाल के 10-10 वर्ष हमारे सामने हैं, तो वैसे में श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ये श्वेत पत्र लेके आई है। और इस श्वेत पत्र का जब आप अध्ययन करेंगे, इसमें जो तथ्य उल्लेखित हैं, जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि देश को किस स्थिति में यूपीए सरकार ने 10 वर्षों में पहुंचा दिया था, देश किस स्थिति में 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्राप्त हुआ था, और आज देश इस 10 वर्षों में कहां से कहां तक पहुंचा है, इसका अध्ययन करने से बड़ा स्पष्ट हो जाता है। 2004 और 2014 तक यूपीए की जो सरकार थी, और 2014 से 2024 अब जब एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, तो उसका अध्ययन करने से यह बड़ा स्पष्ट दिखता है कि कैसे अर्थव्यवस्था हमारी आगे बढ़ी है। जैसे उदाहरण के रूप में, बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख स्तंभ होते हैं। 2009 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार का नेतृत्व करना प्रारंभ किया था, तो उस समय बैंकों में एनपीए का जो अनुपात था वो 16% था। और 5 वर्ष शासन करके 2004 में जब वो पद छोड़े, तो उस समय ये एनपीए 7.8% हो गया था। यानी यूपीए की, मनमोहन सिंह की सरकार को 7.8% एनपीए वाला बैंकिंग सिस्टम प्राप्त हुआ था। और 2014 में जब यूपीए की सरकार गई, तो इसे बढ़ाकर के इन लोगों ने 12.5% कर दिया था। तो 12.5% एनपीए वाला एक बैंकिंग सिस्टम, एक जर्जर बैंकिंग सिस्टम हमें प्राप्त हुआ था, और उस परिस्थिति से हमने काम करना शुरू किया। और उसमें एक चमत्कारी परिवर्तन हुआ पिछले 10 सालों के कार्यकाल में। अब आप किसी भी बैंक के एनपीए को उठा के देख लेंगे तो 2%, 2.5%, 3.5% से ज्यादा एनपीए किसी भी बैंक का नहीं है, जिसे यूपीए सरकार ने
12.5% तक पहुंचा दिया था। उस समय जो प्रधानमंत्री थे उन्हें उनके मंत्रिमंडल का ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि इस देश में एक सुपर पीएम थी, सोनिया गांधी सुपर पीएम की तरह थी, और जिसके कारण मनमाने तरीके से देश के संसाधनों की लूट हो रही थी और प्रधानमंत्री आंखें मूंद करके बैठे हुए थे। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, सत्यम कंप्यूटर घोटाला, ट्रक घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कैश फॉर वोट घोटाला, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला, शारदा चिटफंड घोटाला, INX मीडिया घोटाला, एयरसेल मैक्सिस घोटाला, एंट्रिक्स देवास घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, ये कुछ घोटाले हैं जो उस सरकार के समय में हुए थे। ये कुछ गिने चुने घोटाले हैं, और भी बहुत सारे घोटालों की लंबी लिस्ट है। प्रधानमंत्री निसहाय अर्थव्यवस्था को लूटते हुए, चौपट होते हुए देख रहे थे, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं था। ऐसी स्थिति में हमें यह देश प्राप्त हुआ था। तो देश की अर्थनीति को गति देना था, जिस देश की GDP को बढ़ाना था, तो कुछ ऐसे निर्णय शुरुआती दिनों में लिए गए जिसका उल्लेख बहुत विस्तार से श्वेत पत्र में किया गया है, जिससे देश की GDP बढ़ी। जैसे उदाहरण के लिए शौचालय बनाने का काम हमने शुरू किया, इससे देश की GDP में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। शौचालय बने तो लोगों को रोजगार मिला, ईंट बालू सीमेंट की खपत बढ़ी, स्वच्छता बढ़ी तो बीमारियां कम हुई, तो उससे हमारा उत्पादन बढ़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना में करोड़ों घर बने, उससे GDP को गति मिली। बिजली पानी गैस कनेक्शन पहले से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उससे देश की GDP में बढ़ोतरी हुई। आयुष्मान कार्ड दिया हमने, जिससे पूरे देश के प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को एक सपोर्ट मिला। आम आदमी को भी प्राइवेट हेल्थ सेक्टर की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हुई, उससे भी GDP में बढ़ोतरी हुई। ये सब कुछ छोटे छोटे उपाय थे जो देखने में बड़े साधारण लग रहे थे, लेकिन इन सब ने GDP को बढ़ाने का कार्य 2014 में इंडिया की सरकार बनते ही प्रारंभ कर दिया। आज हम जब पीछे का समय देखते हैं तो उस समय 2G घोटाला हुआ था, और 2G नेटवर्क भी बड़े मुश्किल से उपलब्ध होता था। कुछ निश्चित स्थान थे जहां जाकर के लोगों को मोबाइल पे बात करना पड़ता था, हर जगह नेटवर्क उपलब्ध नहीं था, सड़कों पे बीच बीच में नेटवर्क छूट जाता था। आज 4G 4G, आज हम 4G नेटवर्क के साथ पूरे देश में एक व्यापक कवरेज वाले नेटवर्क का लाभ उठा रहे हैं, और 4G कवरेज की व्यापकता ने हमारे अर्थनीति को, हमारे GDP को एक अलग गति प्रदान की है। पहले सॉफ्टवेयर कंपनियां केवल बड़े बड़े शहरों से ही ऑपरेट करती थी, आज 4G नेटवर्क की व्यापक उपलब्धता के कारण छोटे छोटे शहरों में भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से देश के छोटे छोटे शहरों में भारत सरकार ने सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को काम करने का एक अवसर प्रदान किया, और आज भारत में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाली इंडस्ट्री के रूप में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री उभरी है। तो इसमें 4G नेटवर्क का बड़ा योगदान है। और जहां तक 5G नेटवर्क की बात है, हम दुनिया में सबसे तेजी से रोल आउट करने वाले देश हैं। दुनिया में सबसे तेजी से 5G नेटवर्क हमारे देश में उपलब्ध हो रहा है। तो एक अंतर है जो यूपी और एनडीए सरकार में था। उस वक्त हमारी बुनियादी ढांचा हमारी प्राथमिकता में नहीं था। निवेश, विकास, रोजगार, उद्यमिता और बचत, ये जो इकोनॉमी के चक्के होते हैं, ये सब जाम हो गए थे। अर्थनीति एकदम से ठहर गई थी। हमारी आर्थिक निवेश और उत्पादकता बुरी तरीके से प्रभावित हो रही थी। मुद्रा स्फीति दोहरे अंक तक पहुंच गई थी। आज मुद्रा स्फीति 5% के आसपास आ गई है।
आज जीएसटी व्यवस्था को आप देखिए, हमारे संघीय ढांचा का जीएसटी व्यवस्था एक यूनिक प्रयोग के रूप में हमारे सामने आई है। 1.5 लाख करोड़ से अधिक हमारा जीएसटी संग्रह अब हो गया है। भारत सरकार के किसी भी योजना के लिए अब धन की कमी नहीं है। जिस रफ्तार से आधारभूत संरचनाएं देश में विकसित हो रही हैं, नए नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, पूरे देश भर में नए हवाई अड्डे बन रहे हैं, किसी भी काम के लिए भारत सरकार के पास आज धन की कमी नहीं है, तो यह जीएसटी से ही संभव हुआ है। कुछ तुलनामूलक अध्ययन के माध्यम से इस चीजों को थोड़ा और हम स्पष्ट करेंगे। जैसे मुद्रा स्फीति की दर जो यूपीए के शासनकाल में 8.2 थी एवरेज, बीच में तो दोहरे अंक में भी पहुंच गई थी, लेकिन ऑन एन एवरेज 8.2 थी, वो अब एवरेज में 5 से ऊपर नहीं गई है, 5 के आसपास है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ये विश्व बैंक का डाटा है, उस समय $3,889 के आसपास था, जो आज करीब करीब डबल होता हुआ $6,016 के आसपास पहुंच गया है। पूंजीगत व्यय ये जीडीपी के 1.7% में था, वो अब बढ़कर के 3.2% हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों का निर्यात यूपीए के समय 7.6 US बिलियन डॉलर का था, वो अब 3 गुना होकर के 22.7 US बिलियन डॉलर का हो गया है। दुनिया के सभी बड़े इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड अब भारत में बन रहे हैं और भारत से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ये आरबीआई का डाटा है, उस समय 305 US बिलियन डॉलर था, जो अब करीब करीब डबल होकर के 596 US बिलियन डॉलर हो गया है। बहुआयामी गरीबी, उस समय कुल जनसंख्या की 29.2% थी, कुल जनसंख्या के 29.2% लोग बहुआयामी गरीबी के परिभाषा के अंतर्गत आते थे, जो अब घटकर के केवल 11.3% रह गए हैं। जबकि हमारी जनसंख्या 140 करोड़ बढ़ी है, लेकिन गरीबी केवल 11.3% तक हम लाने में सफल रहे हैं। अप्रत्यक्ष कर का दर, जो इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज होता था, हम टूथपेस्ट भी खरीदते थे तो हमें अनजाने में टैक्स देना पड़ता था, ऐसे जो अप्रत्यक्ष कर थे, उत्पादन से शुरू करके उपभोक्ता तक कोई भी वस्तु पहुंचने तक जो अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते थे, वो यूपीए के सरकार में 15% ऑन एन एवरेज थे, जो अब घट करके 12% हो गए हैं। 3% का सीधे लाभ वहां उपभोक्ताओं को इस सरकार ने पहुंचाया है। स्टार्टअप की संख्या उस समय केवल 350 कंपनी की थी, उस 10 वर्षों में यूपीए के 10 वर्षों में केवल 350 स्टार्टअप हुए थे, और इस 10 वर्षों में 117,257 स्टार्टअप सफलतापूर्वक चल रहे हैं। 350 से बढ़के 117,257 स्टार्टअप हैं, जिन्होंने रोजगार के बहुत बड़े अवसर इस देश की जनता के सामने उपलब्ध कराए। हार्ड इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का डाटा है, उस समय 52 था, अब घट करके 42 पे आ गया है। मेट्रो रेल वाले शहर, जहां मेट्रो रेल की फैसिलिटी थी, यूपीए की सरकार के समय में केवल 5 शहर थे जहां मेट्रो रेल थी, अब वो 4 गुना बढ़कर के 20 शहर हो गए हैं इन 10 वर्षों में, जहां मेट्रो रेल की फैसिलिटी अवेलेबल है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई का निर्माण, ₹25,700 थी उस समय, अब ये बढ़कर के डबल होकर के, डबल से भी अधिक होकर के 54,900 किलोमीटर हो गई है। राजमार्ग निर्माण की गति उस समय प्रतिदिन 12 किलोमीटर थी, जो बढ़कर के डबल से भी अधिक हो गई है, दोगुने से भी अधिक हो गई है, 28.3 किलोमीटर प्रतिदिन हम राष्ट्रीय राजमार्ग बना रहे हैं।
रेल दुर्घटनाएं यूपीए सरकार के 10 वर्षों में 233 बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई थी, वो घट करके केवल 34 रेल दुर्घटनाएं पिछले 10 वर्षों में हुई हैं। एक सुरक्षित रेल परिचालन प्रणाली आज देश के सामने है। विद्युतीकृत रेल नेटवर्क, उस समय 21,800 किलोमीटर का था, 21,800 किलोमीटर रेल नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, जो बढ़कर के तीन गुना बढ़कर के पिछले 10 वर्षों में उसमें तीन गुना बढ़ोतरी हुई है। अब वो 60,000 किलोमीटर से भी अधिक हो गया है। हवाई अड्डों की संख्या यूपीए सरकार के समय तक 2014 तक केवल 74 हवाई अड्डे थे पूरे देश भर में, उसमें भी दोगुनी की बढ़ोतरी हुई है, 149 हवाई अड्डे हो गए हैं। कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता, ऊर्जा उत्पन्न करने की हमारी कुल जो क्षमता थी यूपीए के समय तक केवल 249 गीगावाट की थी, जो अब डबल होकर के करीब करीब 429 गीगावाट की हो गई है। और हम देश के सभी गांव तक 100% विद्युतीकरण करने में सफल रहे हैं। देश का कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां विद्युत न पहुंचा हो, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। अक्षय ऊर्जा की क्षमता, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में देश दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला एक केंद्र बना है। 2014 तक हमारे पास 76 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता थी, जो दोगुने से भी बढ़ गई है। अब हम 181 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। मोबाइल में ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर की संख्या, उस समय 6 करोड़ केवल लोग मोबाइल ब्रॉडबैंड यूज करते थे, अब 140 करोड़ की जनसंख्या में से 90 करोड़ लोग हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवा का लाभ उठा रहे हैं। 90 करोड़ लोगों के पास हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट फैसिलिटी है, 6 करोड़ से 90 करोड़। मासिक डाटा का उपयोग 2014 तक जो मासिक डाटा था उसका उपयोग 0.06 जीबी हम कर पाते थे, केवल 0.06 जीबी, महीना में 1 जीबी से भी कम, 0.06 जीबी था। अब भारत के लोग 18.39 जीबी डाटा ऑन एन एवरेज उपयोग में लेते हैं। 2014 में इस देश में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में 387 मेडिकल कॉलेज थे, जो डबल से भी अधिक हो गए हैं, 706 मेडिकल कॉलेज आज हमारे पास हैं। मेडिकल की पढ़ाई के लिए 2014 तक केवल 51,348 सीटें थी, जो दुगनी होकर के 108,940 सीटें हो गई हैं। मेडिकल के छात्रों को पढ़ने के लिए आज देश में 108,940 सीटें उपलब्ध हैं। इस देश में विश्वविद्यालयों की संख्या 2014 तक यूपीए के कार्यकाल में, 10 वर्षों का जो कार्यकाल था उस बीच में 2014 समाप्ति तक 676 विश्वविद्यालय थे। आज देश में 1168 नए विश्वविद्यालय हैं, जिसमें सेंटर ऑफ एक्सलेंस 10 से अधिक सेंटर ऑफ एक्सलेंस लेवल के विश्वविद्यालय हैं। एलपीजी कनेक्शनों की संख्या 2014 में केवल 14.5 करोड़ लोगों के पास एलपीजी थी, आज वो बढ़कर के 31 करोड़ से भी अधिक हो गई है। और ये जो बढ़ोतरी हुई है 14 करोड़ से 31 करोड़, इसमें 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन है, जो निःशुल्क लोगों को उपलब्ध कराया गया है। विद्युतीकरण की स्थिति मैंने पहले भी बताई कि 2014 तक हमारे पास
75 से 80% गांव तक ही बिजली हम पहुंचा पाए थे, जिसे इस 10 वर्षों में इस सरकार ने 100% ग्रामीण विद्युतीकरण करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। बिजली की औसत उपलब्धता 2014 तक पूरे देश में औसत बिजली की उपलब्धता केवल 12 घंटे प्रतिदिन हुआ करती थी, जो अब बढ़कर के 21 घंटे प्रतिदिन हो गई है। 12 घंटे से 21 घंटे, ऑलमोस्ट 24 आवर बिजली अब हम अपने लोगों को ऑन डिमांड उपलब्ध कराने की स्थिति में पहुंच गए हैं। नल से पेयजल उपलब्ध कराने के जो कनेक्शन थे 2014 तक, केवल 3 करोड़ लोगों तक हम पेयजल उपलब्ध करा पाए थे, ये बढ़कर के 13.8 करोड़ लोगों तक हो गया है। और झारखंड जैसे राज्य में तो ये और ज्यादा हो गया होता, या ऐसे और भी राज्य हैं जहां गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन लोगों ने प्रधानमंत्री नल जल योजना का जो लाभ उठाना चाहिए, जो राशि मंगा करके इस योजना का इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए, उसमें वो बहुत पीछे रहे, जिसके कारण हम और अधिक लोगों तक नहीं पहुंच पाए। फिर भी 3 करोड़ से बढ़कर के 13 करोड़ से भी अधिक लोगों तक अब हम नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में सफल रहे हैं। डीबीटी लाभार्थी, जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई थी तो उन्होंने बैंक खाते खुलवाने का एक अभियान प्रारंभ किया था, तो उस समय बड़े इस अभियान की हंसी उड़ाई गई थी कि भाई बैंक का खाता तो खुलवा रहे हैं, इसमें पैसा कहां से आएगा। 10 करोड़ लोगों तक भारत सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा पाती थी, क्योंकि बैंक खाते ही नहीं थे। आज भारत सरकार 166 करोड़ डीबीटी के ट्रांजेक्शन किए हैं, 166 करोड़ ट्रांजेक्शन किए हैं। पहले हम 10 करोड़ ट्रांजेक्शन कर पाते थे, अब हम 166 करोड़ ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान राशि जो मिलती है, साल में 3 बार 2-2 हजार की राशि, ऐसे कुल ट्रांजेक्शन 166 करोड़ ट्रांजेक्शन हम करने की स्थिति में हैं। हम सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोगों के खाते तक पहुंचा पा रहे हैं। तो इस प्रकार से जब इन सारे आंकड़ों का एक बार आप अवलोकन करेंगे तो अंदाजा होगा कि देश किस दिशा में बढ़ रहा है। हमारी वित्त मंत्री महोदया ने श्वेत पत्र के समापन में एक बड़ी मार्मिक पंक्ति लिखी है कि आजादी का अमृत काल प्रारंभ हुआ है, 75 वर्ष से लेके 100वें वर्ष तक, ये 25 वर्ष हम इसे अमृत काल के रूप में मनाने का निर्णय लिए हैं। 2047 तक प्रधानमंत्री जी ने देश को एक दुनिया का विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य लिया है। ऐसे में ये 25 साल अमृत काल तो है ही हमारे लिए, साथ ही हमारे कर्तव्य का काल है। और आर्थिक पहलुओं को मजबूत किए बगैर, अर्थव्यवस्था को मजबूत किए बगैर हम भारत को उन्नत राष्ट्र नहीं बना सकते हैं, इस प्रकार की एक तस्वीर इस श्वेत पत्र के माध्यम से संसद के पटल पर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण महोदया के द्वारा रखा गया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।